प्रज्ञा ठाकुर का भी एक बयान सामने आया है। भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर सांसद ने बयान दिया है। उनका कहना है कि सर्वे हो जाना चाहिए, जो सत्य होगा वो सामने आ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर सत्य कहना गुनाह है तो मैं ये गुनाह करती रहूंगी। उन्होंने कहा कि जहां आक्रांताओं ने हमले किए उनका सत्य सामने आना ही चाहिए। कि ऐसा है, ऐसे विषयों पर जहां आक्रांताओं ने कुठाराघात करके हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है, ऐसे स्थानों पर निश्चित रूप से धार्मिक स्थल, पूजा स्थल कहीं भी बन सकते हैं, और पर किसी के साथ तोड़ करके कुछ और स्थान बनाओ या उनको ठेस पहुंचाना भावना होनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पर बहुत ही संवेदनशील तरीके से विचार करना चाहिए, और अगर कुछ सत्यता है तो उसकी जांच में कोई मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जांच होनी ही चाहिए। लेकिन हमारा तो नाम आता ही है, सत्य बोलना अगर गलत है तो मुझे लगता है ये गलती में करती हूँ। कि विदर्भियों की बात हम निश्चित रूप से करते हैं कि उन्होंने तो मंदिरों को तोड़ करके, विशेष तौर पर तोड़ करके, और वहाँ उन्होंने मस्जिदें बनाई हैं, मजारें बनाई हैं, और वो प्रमाण है।